होप आज आप लोगों ने अदानी एंटरप्राइज और इन्फोसिस से अच्छा पैसा बनाया होगा। अब कल का वॉच लिस्ट में अपने पास चार स्टॉक है, जिन चार स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। इन्फोसिस में आज सुबह में ब्रेकआउट आया, टारगेट कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे हुआ बट हो गया। अदानी एंटरप्राइज में भी टारगेट कंप्लीट हो गया, और उसके बाद क्रॉम्पटन ग्रेवियर सॉरी आपका कैनफिन होम्स जो हम लोग का कल वॉच लिस्ट में था, उसमें कल मूवमेंट मीन्स आज सुबह में क्या हुआ, मूवमेंट अच्छे से नहीं आया। मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह गया। लास्ट मोमेंट में इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कल इसमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट सेट करना है। साइडवेज मार्केट है, निफ्टी अभी भी फ्लैट है। मीन्स कल नीचे भी गिरेगा तो ज़्यादा स्पीड में नहीं गिरेगा, ऊपर भी जाएगा तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा। मीन्स वॉलीटिलिटी इक्वल रहेगा, ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स मार्केट में ना तो ऊपर का साइड ज़्यादा प्रेशर है, ना तो नीचे का साइड। तो स्टॉक में अगर वॉल्यूम आता है, ब्रेकआउट आता है, तो स्टॉक अपने हिसाब से चलेगा। मीन्स निफ्टी से अपने को अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में कल अपने को कैसे ट्रेड लेना है। तो स्क्रीन पर ये कैनफिन होम्स का चार्ट है और इसके ऊपर हम लोग को बाई करना था, जैसे हम कल बोले थे 598 के ऊपर। तो 598 के पास में मार्केट जाके आज क्लोज दिया। सुबह में मार्केट नीचे आया वापस, लास्ट मोमेंट पे वॉलीटिलिटी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा और कैंडल ग्रीन बना, ऊपर की तरफ गया। तो अपना स्टॉप लॉस वही रहेगा 7579 का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 606, सेकेंड टारगेट रहेगा 617, और जो थर्ड टारगेट है वो रहेगा 692। और याद रहे कि कल का मार्केट उतना अच्छा नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, तो हमको नहीं लगता कि कल उतना अच्छा हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलेगा। बट अगर आप लोग ट्रेड लीजिएगा भी तो छोटा क्वांटिटी में लीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि कल का मार्केट में हमको नहीं लगता कि कोई ट्रेड लेने में मज़ा आएगा। नेस्ले इंडिया में अगर देखेंगे एक्सक्यूज मी, तो ये ब्रेकआउट जोन के पास में है और ऑल टाइम हाई जो है इसका 2035 मीन्स 20,335 के ऊपर जाएगा तो अपने को बाई करना है। मीन्स आज का ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर जाएगा तो हम लोग को बाई करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2019179। तो टारगेट क्या रहेगा, 20867 फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे, 20867 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 21173। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं आता ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने को बहुत कम मिलेगा, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो बट अगर आपको वॉलीटिलिटी चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीज चाहिए, मीन्स अगर आप ट्रेड लेते हैं तो संग संग मार्केट ऊपर जाए ऐसा कुछ देखना चाहते हो, तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट में ट्रेड नहीं कोई लिया और मार्केट देखिए कंटिन्यू अपना एक ही साइड रेंज में रह गया, तो ऐसा नहीं करना। ब्रेकआउट आएगा तो ही ऊपर जाएगा। जैसे आज सुबह में क्या हुआ था, अगर अदानी एंटरप्राइज को देखेंगे तो देखिए अदानी एंटरप्राइज में जैसे ही ब्रेकआउट आया था इस रेंज के ऊपर में, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया नीचे आके उसी जोन को, और उसके बाद यहाँ का जो अपना रैली था कितना अच्छा रैली था। तो अपना जो टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे पोजिशनल रेट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये था, हालांकि जो कि टारगेट कंप्लीट बोले तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता क्योंकि हम लोग ग्रुप में प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। और बहुत जन ऐसा नहीं है जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे, बट हम ये वीडियोज़ में बता दिए थे जैसे कि ब्रेकआउट आता है आप जितना रिस्क लेते हैं उतना आप 90% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये होता है ग्रीड। तो अपना स्टॉप लॉस तो हालांकि अभी भी फिलहाल हिट नहीं हुआ है, टारगेट पेंडिंग है, तो मार्केट तो ये ऊपर जाएगा बट इंट्राडे वाले तो फंस जाएंगे ना। कल जैसे इसी सब में हम बताए थे कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है इंट्राडे में, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ गया तो फिर आपका प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। तो जो लोग ग्रीड किए होंगे वो लोग को प्रॉफिट नहीं मिला होगा। फिर इन्फोसिस में अगर सेम देखेंगे तो इन्फोसिस में ब्रेकआउट आया अपना यहाँ पे, और मार्केट देखिए अपना जो टारगेट था 1731 वहाँ तक मार्केट आज जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली हम लोग इस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। और थर्ड नंबर पे है BEML। अब BEML में आज अगर देखेंगे तो यहाँ पे आया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में रिटेस्ट भी कंप्लीट हुआ है, और रिटेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से नीचे मार्केट गिरा, वापस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, वापस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, इस बार क्या हुआ यहाँ पे ये आया ब्रेकआउट, और ब्रेक करते हैं मार्केट ऊपर गया विथ हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया था, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, रिटेस्ट किया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको हम लोग बाई कैसे करेंगे, देखिए जब ये आज का जो प्रीवियस हाई मीन्स आज जो था आज के हाई जहाँ पे मार्केट क्लोज किया था उसके ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, 1366.9 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे,
1329 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्वांटिटी हम बोलेंगे छोटा क्वांटिटी लीजिए, मूवमेंट देखने को कम मिल सकता है, स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कल ज़्यादा हो सकता है। अगर बाई चांस मार्केट अगर नीचे गिरता है, निफ्टी नीचे गिरता है, तो ये सारा स्टॉक उतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट से अकेले लड़ पाए और ये नीचे गिर सकता है, तो क्वांटिटी पे ध्यान रखिए या फिर हो सके तो ट्रेडिंग स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है, आपको डर लगता है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ट्रेडिंग उस दिन मत कीजिए। तो 1418 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 1479 का सेकेंड टारगेट रहेगा। और ये जो सेकंड टारगेट है ये आपको कल कंप्लीट नहीं होगा, पोजिशनल ट्रेड जैसा स्विंग ट्रेडिंग पकड़ के चलिए, इसको एक सप्ताह 10 दिन लग सकता है। और फोर्थ नंबर पे है हम लोगों के पास क्रॉम्पटन्स ग्रेवियर्स, और इसको देखेंगे तो ये मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा चुका है पहले से, और यहाँ पे हम लोगों को बाई करना है, जो कि एंट्री आज ही मिल चुका है। जब इस जगह पे ऐसे ब्रेकआउट आया था ना, अगर हम लोग इसको यहाँ पे ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों का एंट्री यहीं पे हो चुका था कुछ इस तरीका से। और अगर इसको हम 15 मिनट पे लेके जाते हैं तो देखिए आपको और क्लियर व्यू दिखेगा। यहाँ से जब ब्रेकआउट आया, यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, रिटेस्ट हुआ और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो अपना जो एंट्री है, एंट्री कंफर्म हो चुका है। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 478 का। 478 मीन्स ऐसे अगर हम कर देते हैं इसको यहाँ पे, 478 का रहेगा स्टॉप लॉस। और एंट्री जो है करेंट प्राइस पे ही बाई कर लेना, 486 जो बाई चल रहा है प्राइस, 485 पे भी चल रहा है तो 485 पे ही बाई कर लेना, क्योंकि हम लोग को एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे। और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 504 का, सेकंड टारगेट रहेगा 530 का। तो ये चार स्टॉक है कल के लिए, और ट्रेड अच्छे से कीजिएगा, हम बोलेंगे कि क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी साइडवेज है, मार्केट इतना ऊपर है। अगर बाय चांस निफ्टी, अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी एक ट्रेड लाइन को टच करके रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा ना, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और बैंक निफ्टी ट्रेड लाइन ब्रेक कर चुका है डाउन साइड में ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग का ट्रेड एक्टिव हो चुका है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से देखिए मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी में, देखिए यहाँ से एक लेफ्ट शोल्डर बना, मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आके राइट शोल्डर बना, तो दोनों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो 35,400 तक मार्केट गिर सकता है। तो बैंक निफ्टी तो अपना धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेड एक्टिव हो भी चुका है, हम यहाँ इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए भी थे आज छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और निफ्टी भी तो कहीं ना कहीं ब्रेक करके नीचे गिरेगा, तो अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बाइंग साइड ले रहे हैं, सेल साइड नहीं ले रहे हैं, तो क्वांटिटी छोटा रख के ट्रेड लीजिएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।